हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पालक की दाल। जी हाँ, ये खाने में जितना टेस्टी लगता है वो हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। सो चलिए, इसको बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पालक और इसे मैंने क्लीन करके ले लिया है। इसके लिए मैंने अरहर की दाल लिया है और यहाँ पर मैंने चॉप करके जिंजर, गार्लिक, अनियन और ग्रीन चिली लिया है। सो यहाँ मैंने कुकर में मैंने दाल को धो करके ले लिया है। इसमें मैंने एक ग्लास मैंने पानी ले लिया है और जो पालक है उसे मैंने काट के उसे भी मैं कुकर में मैं अभी 2 सीटी के लिए मैं पका लेती हूँ। सो ये पक गया है, ये देखिए ये पक गया है बहुत अच्छी तरह से। इसका पानी भी अच्छी तरह से अट गया है, पर हमें इतना थिक नहीं बनाना है। तो अब यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैं ऑयल ले लेती हूँ और ऑयल गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले गार्लिक डालती हूँ, फिर जिंजर जिसे मैंने चॉप करके रखा था, इसे मैं 30 सेकेंड के लिए चला लेती हूँ। जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी तब उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ ग्रीन चिली। अब इसे भी मैं 1-2 सेकंड के लिए चला लेती हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी चॉप कटे हुए अनियन। इसे मैं ब्राउन नहीं करूँगी, इसे हल्का सुनहरी होने तक मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ मैंने टोमेटो को भी मैंने काट लिया है और ये देखिए यहाँ पे मैं मसालों में मैं यहाँ पे टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर मैं यहाँ पे लेती हूँ। इसे भी मैं चला लेती हूँ 30 सेकेंड के लिए और इसमें मैं अभी ऐड कर लेती हूँ टमाटो। अब इसे भी मैं अच्छी तरह से मैं इसमें ऐड कर लूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। अब ये देखिए ये टमाटर हमारा पक गया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये पालक और दाल जिसे हमने कुकर में पका लिया था। इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ क्योंकि मैं इतना थिक नहीं बना रही हूँ। आप चाहे तो थिक भी बना सकते हैं। सो ये देखिए ये जब हम लोग दाल डाल लेते हैं 1-2 मिनट में उबाल आ जाता है, उसके बाद ये बनके तैयार हो जाता है। ये मेरा बनके तैयार हो गया, मैं इसका प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से आप बना के खाएंगे तो। सो यहाँ तक था आज का मेरा ये वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।